बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ख़बर यह है कि असद उमर शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ज़मानत कन्फर्म कर दी है। इसका मतलब यह है कि उनका केस अब तकरीबन रद्दी की टोकरी में जा चुका है। इसका इमरान खान के केसेस पे दो तरह से असर पड़ेगा और मैं आपको वो दोनों सूरतें बता देता हूँ। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ये लोग मौके वारदात पे तो मौजूद नहीं थे, क्योंकि जज ने सवाल किया कि क्या ये लोग मौजूद थे तोड़फोड़ में, जलाओ गिराओ में। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि गो कि ये लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन इनकी इमा पर इनके वर्कर्स ने ये सब कुछ किया। इस दलील को रद्द करते हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत कन्फर्म कर दी है। नाज़रीन इकराम, अब दो तरह से इसको देखा जा सकता है। पहले पॉजिटिव पहलू देखते हैं, और अगर कानून के मुताबिक ये मुल्क चलता है तो ये वाकई एक पॉजिटिव पहलू है कि आप इमरान खान पर जितने भी केसेस हैं, 15-20 हैं या पूरे के पूरे 44 केसेस हैं इमरान खान का 9 मई के हवाले से, उनमें नाम डाला जाएगा। अगर इनको ज़मानत मिल गई है और हाई कोर्ट से मिली है, तो ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अगर आप मौके वारदात पर मौजूद नहीं हैं तो आपकी ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी, और फिर प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा बियॉन्ड एनी डाउट कि ये बंदा किसी न किसी तरह इन्वॉल्व था। तो जहां असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को ये रिलीफ मिला है, वहीं कानूनी तौर पर अगर चला जाए तो अब इमरान खान को भी इन केसेस में रिलीफ मिल सकता है और मिलना चाहिए। लेकिन नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के सिस्टम को आप जानते हैं। अब आपको इसका तारीख पहलू भी दिखाता हूँ। इसका दूसरा और तारीख पहलू ये है कि इमरान खान को जेल में डालने से पहले तहरीक इंसाफ की बागदौड़ ये चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के पास चली जाए। अभी तक इमरान खान ने असद उमर को पार्टी से नहीं निकाला, ये याद रखें। इसके लिए भी ये तैयारी हो सकती है जो इनको ज़मानत दी गई है। गौर करें ज़रा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है और महीने दो महीने के अंदर, और फिर कोई लंबी जेल की तैयारी करनी है। दूसरी तरफ पार्टी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे, फैसले वो करेंगे। पावर ब्रोकर्स को ये लगता है कि वो तो सारी उनकी बातें मानेंगे, बज़ाहिर ऐसा लगता भी है कि वो मानेंगे। तो इससे मल्टीपल नुकसान होंगे। एक तो तहरीक इंसाफ अपने नज़रिए से हट जाएगी, और अगर नहीं भी हटती तो एक तासुर ऐसा होगा कि तहरीक इंसाफ का वोटर अगर इमरान खान बाहर हुआ तो जिस तरह वोट देगा, उनके होते हुए नहीं देगा। ये कोशिश की जा रही है, पता नहीं कब तक और कहाँ तक कामयाब होते हैं। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक पॉजिटिव के इमरान खान को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है, और नेगेटिव ये कि इनकी अब तैयारी हो रही है कि इधर हम इमरान खान को उठाने लगे हैं, तुम्हारी जमानतें कंफर्म कर रहे हैं, अब तुम पार्टी संभालो, तो ऑटोमेटिकली माइनस इमरान फार्मूला भी लगाया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, जहां एक तरफ इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है इससे इस तरह से कि आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, और पेशी के दौरान ही इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लोग दाखिल हुए थे, एक ऐसा ही फजूल सा केस है इमरान खान पर, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला करने का केस, उसमें गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं और कहा है कि 19 तारीख को आपने अब लाजमी आना है जाती हैसियत में। भला ऐसा कौन सा केस है कि आप कह रहे हैं कि जाती हैसियत में आना है? अब जज जो है इस्लामाबाद में, जब दूसरा बंदा लाहौर हाई कोर्ट में, यानी इधर ये बुला रहा है एक बंदा इस्लामाबाद में, जबकि दूसरा बंदा लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही अदालत के सामने सरेंडर कर चुका है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मकसद इमरान खान को तोड़ना है, गिरफ्तारी तो बाद की बात है, और इसका रिएक्शन आएगा नहीं आएगा, इमरान खान जितना मजलूम बनता जाएगा उतना मकबूल होता जाएगा, तो इनके लिए मज़ीद मुसीबतें खड़ी होती जाएंगी गिरफ्तार करने के बाद। तो इससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं टूट जाए, टूट जाएगा तो गिरफ़्तार किए बगैर ही मसला हल हो जाएगा, ना टूटा तो जाहिर है कि फिर जेल में डालना पड़ेगा। तो इमरान खान टूट नहीं रहा, खतरात बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये आपने देखा कि शाहजेब खानजादा हो, आसमा शिराजी हो, या इस तरह के दीगर एंकर जो चाबी से चलते हैं, अचानक इन सब ने 190 मिलियन पाउंड अल कादिर ट्रस्ट केस पर प्रोग्राम करना शुरू कर दिए हैं। इधर मैं देख रहा हूँ वी लॉग्स भी माशाल्लाह शुरू हो गए हैं। तो ये पीछे से चाबी दी जाती है, उसकी वजह से मैं आपको बता देता हूँ, अलकादिर ट्रस्ट वो वाहिद केस है जिसमें नैब बगैर किसी वजह के 1 महीने के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकती है। और आपको पता है कि
अपने काजी ने 2 माह बाद आ जाना है। अब तो 2 महीने रह गए हैं और उसके बाद इमरान खान के लिए किसी अदालत से कोई रिलीफ मिलता कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये अलकादिर ट्रस्ट केस इसलिए अहम है कि इसमें बगैर किसी जुर्म के साबित हुए ये गिरफ्तारी डाल सकते हैं, तो इसको भी एक तरफ पुश किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको तोशाखाना केस की तरफ लेकर आता हूं, क्योंकि ये बड़ा अहम है और मैं आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो हम ज़रा जायज़ा लेते हैं कि तोशाखाना केस का इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन का फैसला ये कहता है कि गो के मुलज़िम ने या इमरान खान ने ये डिक्लेयर किया है कि उन्होंने इतने पैसों की ये चीज़ें बेची और ये सारा कुछ डिक्लेयर हुआ है और उनके टैक्स रिटर्न में भी है, ये तो हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान ने जो फॉर्म फिल किया उस फॉर्म में इमरान खान ने यह लिखा कि उन्होंने ज़ाती इस्तेमाल के आइटम्स बेचे हैं, उन्होंने ज्वेलरी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने घड़ियों का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने घर का फर्नीचर या मेरी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें मैंने बेची हैं। तो इमरान खान क्योंकि गलत खाने में लिखा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मसलन इमरान खान ने कोई चीज़ 1 करोड़ 20 लाख की या 12 करोड़ की जो भी रकम लिखी हुई है बेची है, तो उसने ज्वेलरी वाले खाने में लिखने की बजाय फर्नीचर वाले खाने में लिख दिया है कि इतने का मेरे पास सामान था और मैंने ये बेचा और ये मेरे असासे हैं। इस पर केस बना हुआ है कि ज्वेलरी वाले खाने की बजाय फर्नीचर वाले खाने में क्यों तुमने लिखा है। बस ये है टोटल तोशाखाना करप्शन का केस जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। कहते हैं कि रिस्पोंडेंट वॉज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर दीज आइटम्स अंडर वेरियस हेडिंग स्पेशली डिफाइंड इन फॉर्म बी अंडर द मेन हेडिंग ऑफ मूवेबल एसेट्स ज्वेलरी विच वॉज नॉट डन इन दिस मैनर एंड द लमसम अमाउंट हैज बीन मैंशनड अंडर द हेडिंग एज फर्नीचर फिटिंग्स एंड आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल यूज। यानी इमरान खान ने गलती ये की कि फर्नीचर फिटिंग और मेरे ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों में लिख दिया, बजाय इसके कि वो ज्वेलरी और ज्वेलरी दूसरे खाने में डालते। क्या घड़ी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ नहीं होती? लॉकेट और ज्वेलरी भी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं। सिर्फ इस टेक्निकलिटी पर कि उसने ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें कहकर डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया है? सब कुछ डिक्लेयर्ड है, टैक्स भी दिया हुआ है, उसने उस खाने में क्यों नहीं लिखा? बस ये सारा केस इस वक्त जो है वो तोशाखाना का है। अब ये क्यों चलाया जा रहा है और किस जज के पास है वो भी मैं बता देता हूँ। ये इमरान लालेका का ट्विटर अकाउंट है, मैंने वहाँ से लिया है और ये जज हमायों दिलावर की 2014 की पोस्ट है। ये ज़रा पढ़ें कि ये इमरान खान से कब से बुग्ज रखते हैं। तालिबान के नए तर्जुमान जनाब इमरानुल्लाह मासूद। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। चलें, कोई कह सकता है कि इसको इमरान खान की दहशतगर्दी की जंग के हवाले से पॉलिसी पर इतराज़ था, किसी को भी हो सकता है। ये देखें, अगस्त 2014 जब धरना चल रहा था तो ये देखें किस तरह की ये पोस्ट कर रहा था, और इसमें भी नज़र आता है कि ये बुग्ज़ का शिकार शख्स है। तो स्पेशल ढूंढ के इस शख्स को जो है वो स्पेशल जज लगाया गया है, और जो केस मियांवाली में चलना था वो स्पेशल इनकी अदालत में चलाया जा रहा है और समरी ट्रायल किया जा रहा है, और ये 7 दिन में दिया जाने वाला फैसला 3 दिन में दे देते हैं। और अब इनको जल्दी पड़ी है कि अगले 7 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को मैं सजा सुना दूं। ये ना वो कला की कोई बात मानते हैं, ना कोई कानून की सुनते हैं, ना आईन की सुनते हैं। बस इनको पता है कि मैंने इमरान खान को रगड़ना है। इसी तरह के बुक्स में बहुत सारे मजीद जजेस भी अपने पहले दौर में जब जज नहीं थे, मुबतला थे इमरान खान के, वो आज जज हैं, वो इमरान खान से बदले ले रहे हैं। एक जज खास तौर पर जो अब अगला काजी बनेगा वो इमरान खान के बुक्स का शिकार है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि ये 1-2 महीने इमरान खान को पहले जेल में रखना चाहते हैं, उसके बाद अपना काजी आ जाएगा तो ऊपर से लेकर निचली अदालतों तक जो चीफ होता है उसी का मिजाज अदालतों तक चला जाता है, क्योंकि निचली अदालतों को पता होता है कि हम एक केस का फैसला देंगे, ऊपर वाली अदालतों में वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम भी वही काम करें जो ऊपर वाली अदालतों का मिजाज है। तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा नए काजी के आने के बाद, क्योंकि वो अपना काजी होगा, वो कंप्रोमाइज्ड काजी होगा, उसकी लंदन में जायदादों की रसीदें उसके पास नहीं हैं, तो उसने कंप्रोमाइज़ किया और डील विद डेवल किया मुबैना तौर पर, जिसकी वजह से आज उसके केस भी ख़त्म हैं और वो काजी भी बनने जा रहा है, वरना किसी सूरत वो काजी बन नहीं सकता था। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।